हेलो डे स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश स्टेट मेकर फैकल्टी फर्स्ट राउंड काउंसलिंग आप लोग की शुरू हो चुकी है। ठीक है, जैसा कि आप लोग को पता है, अगर अभी तक पोर्टल पे ओपन नहीं हुआ है तो वेट करें, आपका पोर्टल बहुत जल्द ओपन हो जाएगा। मैं उसकी भी इन्फॉर्मेशन आप लोग को जल्द से जल्द प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, लेकिन आज से आप लोग की काउंसलिंग फर्स्ट राउंड की शुरू हो रही है, तो मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि आप लोग को रैंक वाइज कॉलेज कैसे फिल करना है, क्योंकि आप लोग का स्कोर कार्ड आ चुका है, सभी लोगों ने देख भी लिया होगा और अपनी रैंक भी देख लिया होगा कितनी आपकी रैंक है। तो उस अनुसार मैं बताने वाला हूँ किस बच्चे को कौन सा कॉलेज भरना है, कौन सा कोर्स फिल करना है और कैसे चॉइस फिलिंग करना है। सब इस वीडियो में बात करने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक करके जैसे वीडियो को शेयर जरूर कर देना। और आप लोग सबसे पहले बताना चाहूँगा कि आप लोग टेलीग्राम को अवश्य ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड है टेलीग्राम की, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। सबसे पहले मैं सारी इन्फॉर्मेशन और जो चॉइस फिलिंग बताऊँगा इसकी PDF मैं आपको कुछ समय बाद प्रोवाइड कर दूँगा अपने टेलीग्राम पर। ठीक है, तो बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, आपको सारी PDF मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएंगी, तो आप टेलीग्राम को अवश्य ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मैं वही टेलीग्राम पर प्रोवाइड करता हूँ। अगर आपके पास टेलीग्राम नहीं चलाते हो तो आप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, और अगर व्हाट्सएप चैनल भी नहीं चलाते तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं चॉइस फिलिंग कैसे करना। लेकिन चॉइस फिलिंग करने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि अभी तक सीट मैट्रिक्स आपकी ऑफिशियल साइट पर नहीं आई है, लेकिन मेरे तक सीट मैट्रिक्स आ चुकी है। मैं आप लोग को एक बार थोड़ा सा रिव्यू दिखा दूँ सीट मैट्रिक्स का। इस प्रकार की कुछ आपकी सीट मैट्रिक्स आई हुई है। ठीक, अभी तक ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं अपडेट की गई हुई है, तभी मैं इसलिए आप लोग को सीट नहीं दिखा रहा हूँ कितनी सीटें किस कॉलेज में खाली हैं। जब ऑफिशियल साइट पर अपडेट हो जाएगी तो आप लोग खुद ही देख लेना। ठीक है, अगर नहीं अपडेट होती तो मैंने इसी अकॉर्डिंग आपके अकॉर्डिंग से जिस अकॉर्डिंग से सीट मैट्रिक्स आई हुई है ठीक मेरे तक पहुँची है, उस अकॉर्डिंग में आप लोग को चॉइस फिलिंग बताने वाला हूँ कि किस बच्चे को कौन सा कॉलेज फिल करना चाहिए, और आपके रैंक के अनुसार और आपके जितने नंबर थे उसके अनुसार मैं बताने वाला हूँ किस तरह आप लोग को चॉइस फिलिंग करना है। क्योंकि बेसिकली बहुत चीज़ मैंने रखती है जो आप लोग का होता है जनरल रैंक, ध्यान दीजिएगा, जनरल रैंक के अनुसार ही आप लोग को कॉलेज अलॉट होता है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो उसी के अनुसार मैं बताने वाला हूँ कि आपको कौन सा कॉलेज भरना है और कौन सा कोर्स फिल करना है। ठीक है, तो आप लोग ये देख सकते हैं सीट मैट्रिक्स, और मैं अभी आप लोग को सीट नहीं दिखा सकता इसमें कितनी सीटें खाली हैं, और आप सभी लोग सब चीज देख सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग को मैं बाद में बता दूंगा कैसे कैसे क्या करना है। सबसे पहले बात करते हैं चॉइस फिलिंग की। अगर बात करें चॉइस फिलिंग की, तो देखिए सबसे पहले जिन बच्चों के जनरल रैंक दे ध्यान दीजिएगा 0 से लगा के 500 के बीच में है, उन बच्चों को कौन कौन से कॉलेज फिल करना है और कौन कौन से कोर्स फिल करना है भी मैं बता दूंगा इस वीडियो में। देखिए जिन बच्चों की 500 रैंक तक है, ठीक है, यानी कि 1 से लगा के 500 तक रैंक तक है जिन बच्चों की, ठीक, उन बच्चों को सबसे पहले आजमगढ़ फिल करना है, सेकंड नंबर पे इटावा फिल करना है, और इसको सैफई नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इटावा या सैफई, ठीक, इटावा भी है और सैफई कुछ बच्चे कहते हैं, तो इटावा भरना है सेकंड नंबर पे, और थर्ड नंबर पे आपको मेरठ फिल करना है, फोर्थ नंबर पर आप लोग को आगरा या फिर लखनऊ, ध्यान दीजिएगा, अगर आपको आगरा लेना है तो आगरा फिल करना, अगर आपको लखनऊ का KGMU लेना है तो KGMU फिल कीजिएगा चौथे नंबर पे। ठीक है, तो जिन बच्चों को जौन सा कॉलेज लेना है, जैसे जिसको आगरा लेना है वो आगरा को फिल करना, और जिसको लखनऊ लेना है वो लखनऊ यहाँ पे फिल कर देना। ठीक है, और इन दोनों में से एक ही कॉलेज फिल करना, ये नहीं कि दोनों कॉलेज यहीं पर डाल दें। उसके बाद झांसी और कानपुर में से कोई एक कॉलेज आप फिल कर दीजिएगा, और शाहजहाँपुर और आप लोग को लखनऊ का डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट, उसमें से आपको कोई एक फिल करना है। तो ये हो गई जो चॉइस फिलिंग है, ध्यान दीजिएगा, ये चॉइस फिलिंग हो गई है जिन छात्रों के 1 से लगा के 500 के बीच में रैंक है जनरल, ठीक है, उन छात्रों के लिए ये हो गई चॉइस फिलिंग। आपको इस तरह चॉइस फिलिंग करना है। कोर्स कौन सा फिल करना है तो उस पर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना के रखी है, तो आप लोग इस वीडियो को देख लीजिए कि आप लोग के लिए कौन सा कोर्स सबसे अच्छा है, तो उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड है उसकी, और मैं आपको फर्स्ट कमेंट में भी प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो उस कोर्स को देख कर आप लोग तभी आप लोग चॉइस फिलिंग करना कि कौन सा कोर्स अच्छा है, कौन सा कोर्स ख़राब है, किसको करने से आपको बेनिफिट मिलेगा फ्यूचर में, किसको करने से बेनिफिट नहीं मिलेगा, ये सब मैंने उस वीडियो में बताया है, तो उस वीडियो को ज़रूर देखना। ठीक है,
अब बात कर लेते हैं जिन छात्रों की रैंक 501 से लगा के 1000 के बीच में आ रही है, उन छात्रों को किस तरह चॉइस फिलिंग करना है फर्स्ट राउंड में। सबसे पहले उन छात्रों को आजमगढ़ फिल करना है, उसके बाद इटावा और सहारनपुर, ध्यान दीजिएगा इटावा या सहारनपुर में से कोई एक कॉलेज को फिल करना है, उसके बाद मेरठ फिल करना है, उसके बाद आगरा और जालौन, आगरा और जालौन में से कोई एक फिल करना है, और पाँचवें नंबर पे झांसी और कानपुर में से एक कोई कॉलेज फिल करना है, छठे नंबर पे शाहजहाँपुर या फिर लखनऊ का डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट में से कोई एक कॉलेज आपको फिल करना है। ठीक है, तो कोर्स अपने अनुसार आप देख लीजिएगा, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखी है, ठीक, तो उसको ज़रूर आप देख लीजिएगा। आप बात करते हैं जिन छात्रों की 1000 से लगाकर 2500 रैंक के बीच में आ रहे हैं जनरल रैंक, ठीक है, उन छात्रों को किस तरह फिल करना है। तो उन छात्रों के लिए ए है लिस्ट, उनको आजमगढ़ या हरदोई फिल करना है फर्स्ट नंबर पे, और सेकंड नंबर पे अयोध्या फिल करना है, थर्ड नंबर पे मेरठ, फोर्थ नंबर पे आगरा फिल करना है, फिफ्थ नंबर पे झांसी और कानपुर में से कोई एक फिल कर देना, और छठे नंबर पे आपको शाहजहाँपुर फिल करना है, सातवें नंबर पे आपको फिरोजाबाद या बहराइच में से कोई एक कॉलेज आप लोग को फिल कर देना है जो आपको यहाँ पे बेटर लगे, ठीक है। आठवें नंबर पे बांदा और कन्नौज में से एक कोई कॉलेज फिल करना है, नवें नंबर पे बस्ती फिल करना है, दसवें नंबर पे फतेहपुर फिल करना है, ठीक है, दसवें नंबर पे फतेहपुर फिल करना है, ग्यारहवें नंबर पे जौनपुर फिल करना है, ठीक है आप लोग को, और बारहवें नंबर पर मिर्ज़ापुर या फिर प्रतापगढ़ फिल करना है। तो इस तरह आप लोग को चॉइस फिलिंग करना है जिन छात्रों की 1001 से लगा के रैंक 2500 के बीच में है, यानी कि 2500 के बीच में है, उन छात्रों को इस तरह चॉइस फिलिंग करना है। ऑर्डर को बिल्कुल ब्रेक मत करिएगा अन्यथा कॉलेज नहीं अलॉट होगा। और कोर्स आप लोग को बता दूँ, जिन जो ये छात्र हैं इनको अगर DMLT लेना है, ध्यान दीजिएगा DMLT लेना है तब भी ये लोग फिल कर सकते हैं, एक्सरे भी फिल कर सकते हैं, ठीक है, और ये बच्चे OT भी फिल कर सकते हैं। इन तीनों कोर्स में से इन बच्चों को कोई ना कोई कॉलेज कोर्स अलॉट जरूर हो जाएगा। तो तीनों कोर्स आप लोग फिल कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग को तीनों कोर्स फिल करना है, अगर कोई और आप कोर्स लेना चाह रहे हैं तो उसको भी ऐड कर देना, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जिन छात्रों की रैंक 2501 से लगा के 3700 के बीच में आ रही है, उन छात्रों को इस ऑर्डर में फिल करना है सारे कॉलेज जो आप लोग को यहाँ पे दिख रहा है। सबसे पहले हरदोई फिल करना है, फिर अयोध्या फिल करना है, फिर उसके बाद मेरठ या फिर आजमगढ़ फिल करना है, उसके बाद आगरा या फिर आपको गौतम बुद्ध नगर फिल करना है, उसके बाद पाँचवें नंबर पर आपको झांसी फिल करना है, छठे नंबर पर शाहजहाँपुर, सातवें नंबर पर बहराइच, आठवें नंबर पर बांदा, फिर बस्ती, फिर फतेहपुर, उसके बाद जौनपुर, फिर मिर्ज़ापुर या फिर अंबेडकर नगर। इस तरह आप लोग को चॉइस फिलिंग करना है जिन छात्रों की 2501 से लगा के 3700 तक है, यानी कि 3700 के बीच में जनरल रैंक आ रही है, ठीक, उन छात्रों को इस तरह फिल करना है चॉइस फिलिंग, ठीक है। अगर कोई भी डाउट होता तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा, अन्यथा आप लोग को इंस्टाग्राम ID दी हुई है नीचे, इंस्टाग्राम को अवश्य ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे अगर कोई डाउट होता तो आप मुझे फॉलो करके मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपका अवश्य रिप्लाई करूँगा। अब बात कर लेते हैं जिन बच्चों की 3701 से लगा के उनकी 5000 रैंक तक है, उन छात्रों को इस ऑर्डर में बिल्कुल फिल करना है कॉलेज। सबसे पहले हरदोई फिल करना है, उसके बाद अयोध्या फिल करना है सेकेंड नंबर पर, थर्ड नंबर पर गोरखपुर, फोर्थ नंबर पे गौतम बुद्ध नगर, फिफ्थ नंबर पे झांसी, सिक्स नंबर पे शाहजहाँपुर, सेवन्थ नंबर पे उनको फिल करना है यहाँ पे बहराइच, एट्थ नंबर पे फिरोजाबाद और नाइन्थ नंबर पे बस्ती, और यहाँ पे दसवें नंबर पे आपको ये कॉलेज हटा देना है, ठीक है, और ग्यारहवें नंबर पे आपको जौनपुर फिल करना है, और बारहवें नंबर पे आपको मिर्ज़ापुर, और तेरहवें नंबर पे आपको अम्बेडकर नगर, और चौदहवें नंबर पे आपको सैफई यानी कि इटावा, ठीक है, पंद्रहवें नंबर पे आपको गाजीपुर फिल करना है, सोलहवें नंबर पे आपको सिद्धार्थ नगर फिल करना है, और सत्रहवें नंबर पे आपको KGMU, और अट्ठारहवें नंबर पे आप लोग को फिल करना है। देखिए यहाँ पे अगर आपने फिल किया है 13 नंबर पे, तो यहाँ पे आप लोग को अम्बेडकर नगर फिल करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे
कानपुर फिल कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे जो 20 नंबर पे है वो कानपुर को आपको यहाँ पे रख देना है, 18 नंबर पे ध्यान दीजिएगा कानपुर यहाँ पे कर दीजिएगा आप, ठीक है। और आपको उसके बाद जालौन फिल करना है, उसके बाद आपको प्रतापगढ़, उसके बाद आपको लखनऊ का डॉक्टर राम मनोहर लोहिया यानी कि RLM, ठीक है। RML, ठीक है, ये कॉलेज आपको फिल करना है। तो ये हो गई जिन बच्चों की 5000 रैंक तक है यानी कि 3701 से लगा के 5000 रैंक के बीच जो छात्र आ रहे हैं उनको इस तरह से चॉइस फिलिंग करना है। अब बात कर लेते हैं जिन छात्रों की 5001 से लगा के, ध्यान दीजिएगा 5001 से लगा के 8000 के बीच में जनरल रैंक आ रही है, उन छात्रों को किस तरह चॉइस फिलिंग करना है कि उनको कॉलेज कोई ना कोई कॉलेज अलॉट हो जाए। तो इन छात्रों के लिए मैं कहूँगा कि आप लोग DMLT ध्यान दीजिएगा और आप लोग X-ray, ठीक है। DMLT को तो कतई भी आप लोग टच मत करना जो छात्र इस रैंक में आ रहे हैं, और आप लोग X-ray फिल कर सकते हैं अगर आपको चाहिए, और भी कोर्स आप फिल कर सकते हैं जो आपको बेटर लगे, ठीक है। लेकिन आप लोग DMLT को मत टच करना, न था आपको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं होगा, ठीक है। अब बच्चों को बता दूं जिन छात्रों की इन बीच में रैंक आ रही, उनको सबसे पहले हरदोई फिल करना है, उसके बाद गौतम बुद्ध नगर फिल करना है, उसके बाद गोरखपुर फिल करना है, उसके बाद फिरोजाबाद फिल करना है, उसके बाद झांसी फिल करना है, फिर मिर्ज़ापुर फिल करना है, फिर बहराइच, फिर प्रतापगढ़, उसके बाद आपको फिल करना है बस्ती, उसके बाद आपको फतेहपुर, उसके बाद जौनपुर, उसके बाद आपको बदायूं, ठीक है, उसके बाद कन्नौज, उसके बाद आगरा, यानी कि 14 नंबर पे आपका आगरा रहेगा, और 15 नंबर पे गाजीपुर रहेगा, 16 नंबर पे आपका सिद्धार्थनगर रहेगा, 17 नंबर पे KGMU रहेगा, ठीक है। तो इसी ऑर्डर में आप लोग को फिल करना है जिन छात्रों की रैंक 5001 से लगा के 8000 के बीच में आ रही है। अब बात करते हैं उन छात्रों की जिन छात्रों की जनरल रैंक 8001 से लगा के उनकी ज़्यादा है, यानी कि 8000 से लगा के जिन छात्रों की 10000 या फिर 18000 से भी ज़्यादा है, उन छात्रों को इस तरह से चॉइस फिलिंग करना है। सबसे पहले हरदोई फिल कर देना है, उसके बाद मिर्ज़ापुर फिल करना है, उसके बाद झांसी और मेरठ में से कोई एक आपको कॉलेज सेलेक्ट करना है। मेरठ फिल करना तो झांसी मत फिल करना, झांसी फिल करना तो यहाँ पे मेरठ मत फिल करना, ठीक है। उसके बाद फिरोजाबाद फिल करना है, उसके बाद अम्बेडकर नगर फिल करना है, उसके बाद बस्ती फिल करना है, उसके बाद बहराइच फिल करना है, उसके बाद आपको प्रतापगढ़ फिल करना है, उसके बाद आपको सिद्धार्थनगर फिल करना है, उसके बाद आपको फतेहपुर फिल करना है, उसके बाद आपको जौनपुर फिल करना है, उसके बाद आपको बदायूं फिल करना है, उसके बाद कन्नौज फिल करना है, उसके बाद आगरा फिल करना है, ठीक है। 14 नंबर तक आपका हो गया, और जिस ऑर्डर में बता रहा हूँ उसी ऑर्डर में फिल कीजिएगा, ऑर्डर मत ब्रेक कीजिएगा, अन्यथा आपको कॉलेज मिलने में बहुत दिक्कत हो जाएगी, फिर आप लोग कहेंगे कॉलेज नहीं मिला, ठीक है। और आपको 15 नंबर पर गाजीपुर रखना है, ठीक, 16 नंबर पर सिद्धार्थनगर रखना है, 17 नंबर पर आपको KGMU रखना है, उसके बाद आपका यहाँ पर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट यानी कि आपका डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, ठीक है, इंस्टीट्यूट आपको यहाँ पे रखना है। उसके बाद आप जितने भी कॉलेज बचे हैं 23 तक आपको 23 कॉलेज मात्र भरना है, अगर जो इच्छा चाहे आपकी वो 20 में भर दीजिएगा, 21 में भर दीजिएगा, 22 और 23 में फिल कर दीजिएगा। आपको मैं बता रहा हूँ 100% कॉलेज अलॉट हो जाएगा, अगर आपने मेरी पूरी चॉइस फिलिंग को फॉलो किया तो आपको अलॉट हो जाएगा, अन्यथा आप लोग को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। तो अगर मेरी चॉइस फिलिंग को आप लोग बिल्कुल फॉलो करेंगे तो 100% मैं बता रहा हूँ आप लोग को अवश्य कॉलेज अलॉट हो जाएगा। और इन छात्रों को मैं बता दूँ जिन छात्रों की रैंक 500 तक है, उन छात्रों को DMLT फिल करना है सिर्फ, उन छात्रों को सबसे अच्छा कोर्स है DMLT यानी कि लैब टेक्नीशियन ही सबसे अच्छा कोर्स है, तो आप लोग को सिर्फ DMLT फिल करना है, आप लोग को बहुत इजीली अलॉट हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं अवश्य रिप्लाई करूँगा, अन्यथा आप मेरे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम और आप व्हाट्सएप चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर मैं आप लोग को अवश्य रिप्लाई कर दूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक जय हिंद, वंदे मातरम।